बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मायरा अमजद एंड आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ गोहर पब्लिशर्स। और मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जी तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं और इंटरेस्टिंग क्लास की तरफ जो कि बर्ड्स हैं। We all love birds, whether it's parrot, whether it's sparrow, whether it's hummingbird or many other kinds. Students, आपको पता है कि birds की body के ऊपर feathers होते हैं, उनकी two legs होती हैं, two wings होते हैं और beak होती है। teeth नहीं होते लेकिन beak होती है जिससे वो बोलते हैं। आपने देखा होगा parrot को बहुत बोलता है, किससे बोलता है? अपनी beak से बोलता है। स्टूडेंट्स, बर्ड्स लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं और बर्ड्स भी एग ले करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ बर्ड्स होते हैं, रनिंग बर्ड्स एंड फ्लाइंग बर्ड्स। कभी आपने देखा है कि कोई पेंगुइन उड़ रहा हो? नहीं ना, क्योंकि पेंगुइन रनिंग बर्ड है। बट आप देखते हैं कि आपकी स्पैरो उड़ती है, इसी तरह आपकी स्पैरो उड़ती है क्योंकि वो फ्लाइंग बर्ड है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स को देखना है और उनके बारे में सब चीजें ऑब्जर्व करनी है। इसके साथ हम आगे चलते हैं अपनी सबसे मेन क्लास की तरफ, यानी कि मैमल्स की तरफ, जिसमें आपके पास आपके फेवरेट एनिमल्स आने वाले हैं। यू ऑल लव एलिफेंट्स, यू ऑल लव कैट्स, डॉग्स। तो ये तमाम जो हैं वो हमारी क्लास ऑफ मैमल्स में आते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मैमल्स में क्या डिफरेंस है बाकी क्लासेस से? आपको याद होगा कि रेप्टाइल्स की बॉडी पे स्केल्स थे, आपको याद होगा कि बर्ड्स की बॉडी पे फेदर्स थे, आपको याद होगा कि एम्फीबियंस की बॉडी थोड़ी स्लिपरी थी, मॉइस्टी थी और फिश वाटर के अंदर रहती थी। बट व्हाट अबाउट मैमल्स? मैमल्स की बॉडी पे हेयर होते हैं, मैमल्स की बॉडी पूरी बालों से भरी होती है। मैमल्स हमारे वो एनिमल्स होते हैं जो एग ले नहीं करते, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, दे गिव बर्थ टू देयर चिल्ड्रंस। और मैमल्स के यंग वंस फीड करते हैं फ्रॉम द मिल्क ऑफ देयर मदर। तो आपने देखा होगा बहुत सारे मैमल्स को, जैसे कि एलिफेंट को देखा होगा आपने, जिराफ को देखा होगा, डॉग को देखा होगा और कैट तो सबके घर में ही होती है। आप देखते हैं उसके छोटे छोटे किटन्स होते हैं जो उसका मिल्क फीड करते हैं। इस तरह से आप उनको ऑब्जर्व करें तो उनकी बॉडी पे बाल होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम लोग भी मैमल्स हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स भी मैमल्स हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पे भी बाल होते हैं। आपने देखा होगा हमारी बॉडी पे बाल होते हैं, हम लोग फीड करते हैं, वी गिव बर्थ टू आवर बेबीज, तो हम लोग भी मैमल्स होते हैं। बट यू ऑल लाइक कैंगरू, आई थिंक कैंगरू भी मैमल है, ह्यूमंस भी मैमल हैं, कैट्स भी मैमल हैं, डॉग भी मैमल हैं, एलिफेंट भी मैमल है, जिराफ भी मैमल है। तो स्टूडेंट्स, वी हैव मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैमल्स एंड द ब्यूटीफुल टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास।